हे गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, होफ्री का छोगे। और भाई मैं अभी हूँ औंधी में मूर्तिकार गिरधर तिलक भैया जी के पास। और लगभग यहाँ का वीडियो आ रहा है एक महीने बाद आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग फ्रेंड ने कमेंट भी करते थे कि एक महीने के बीच में कि आप जाओ वहाँ का कितना काम हुआ है वो दिखाओ। बट फ्रेंड्स, अगर उसी को कम में दिखाते रहते हो तो फिर शायद आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं आता इस वीडियो को देखने में। तो फ्रेंड्स, अभी जो मूर्ति है सभी के सभी मूर्ति रेडी हो गए और आज ही से जो है यहाँ की मूर्ति जाना प्रारंभ हो जाएंगे अपने अपने पंडालों में। तो अंदर लेके चलता हूँ और सारे जितने भी गणेश जी हैं सभी के दर्शन कराता हूँ। तो चलो बने रहना वीडियो में एंड तक। और यहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब दुर्गा माता जी के, जो कि लगभग गणेश जी के 15-20 दिन बाद ही जो है प्रारंभ हो जाएंगे। तो मूर्तिकारों में मतलब टाइम बहुत कम मिलता है, तो साथ में गणेश जी के साथ दुर्गा माता जी की भी जो है स्ट्रक्चर काम चल रहा है। और मौसम को देखते हुए सभी समिति वाले लोग का भी यही कहना है, अगर मौसम साफ होगा तो मे भी शायद आज 12-1 बजे के बाद आएंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो, नहीं तो फिर अदरवाइज कल आएंगे। तो ये है गिरधर भैया का कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे अगर आपको 2024 के लिए अगर मूर्ति बुक करवाना हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे बात इन नंबर पर बात कर सकते हो। और दुर्गा मूर्ति से भी रिलेटेड अगर कुछ होगा तो ये नंबर है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। बाकी इधर पर चलो अंदर चलते हैं और सारी मूर्तियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर जो है बैकग्राउंड का जो है काम चल रहा है, शायद बैकग्राउंड का ये। और यहाँ पर जो है भाई प्यारी प्यारी जो है मूर्ति बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पर देखो जो पीछे में जो शिव जी का जो मतलब कलर किया गया है ना, पेंट कलर, वो काफ़ी प्यारे हैं। अगल बगल माता है और बीच में गणेश जी, कलर आपको लगा होगा डिफरेंट थोड़ा बहुत। और वहाँ पर तो देखो ये गणेश जी भी आप बहुत देखने को मिलेगा थनौद में। बट सभी मूर्तिकार का जो है अलग अलग कला होता है और अलग अलग बनाने का टेक्निक होता है, तो सभी में अलग अलग आप देखे होंगे टेक्निक ये मूर्तियों में। तो अंदर से चलते हैं और भी जितने भी मूर्ति है सभी मूर्ति दिखाते हैं। तो इधर से पहले इधर से दिखा देते हैं कि इधर की जो मूर्ति है, जो कि ये मूर्ति है वो काफ़ी मेरे को प्यारी लगी थी जब शुरू में भी लगा था। तो शुरू में मैं ये मूर्तियों की मैं बहुत तारीफ़ किया था, जहाँ हनुमान जी हो वहाँ ये मूर्ति मुझे प्यारी लगने लग जाती है। अगल बगल वानर सेना और बीच में हनुमान जी, लाजवाब बस और कोई शब्द नहीं है। और साथ में गणेश जी है, राम जी के अवतार में बनाया गया गणेश जी को, लग रहा है भाई प्यारा। और ये फ्रेंड्स मूर्ति जाएगी रायपुर में जाएगी। अब रायपुर में कहाँ जाएगी वो तो सस्पेंस ही थोड़ा रख देते, जो बाकी समिति वाले लोगों का जैसा कहना है, बस रायपुर में जाएगी फ्रेंड्स ये मूर्ति। और ये मूर्ति है जो आज जाएगी। और ये मूर्ति में कुछ खास बात है, जो कि अब मैं पंडाल में आऊँगा तो उस समय वो बताऊँगा। बाकी ये मूर्ति आज जाएगी चरोदा में, और ये समिति वाले लोग आज ही आएंगे मूर्ति को लेने के लिए। और इनकी हाइट लगभग बोल सकते हो 14-15 फीट की अबाव की हाइट है विशाल गणेश जी, जो कि अभी गोल्डन वर्क है वो चली रहा है। बाकी देखो ये ले और गणेश जी, जो कि ये जो आप देखोगे ये इनकी हाइट भी 16-17 फीट है। और ये जो गणेश जी इनकी हाइट 8-7 फीट अबाव होगी, जो कि सेम टू सेम बने हुए हैं। और यहाँ पर से विराजमान गजानन महाराज, जो कि इसमें पूरा कपड़ा का वर्क किया गया है। अभी झिल्ली हटाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं अभी बहुत सारे मूर्तियों का झिल्ली कवर हटाया हूँ, जो कि फिर बाद में जो डस्ट वस्ट जा सकता है, इसलिए मैं ऐसी फ्रेंड्स मतलब आप लोग को दिखा रहा हूँ और दर्शन करा रहा हूँ। और ये हनुमान जी है भाई, हनुमान जी ये मूर्ति के साथ जाएंगे, वो जो दिख रहे हैं ना गणेश जी, इनके साथ ये हनुमान जी जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स इस गणेश की यह गणेश जी की बात करूँ तो भाई इनकी हाइट तो मैं बता ही चुका हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच 11 इंच की है, तो मैं तो सिर्फ पेट तक आ रहा हूँ गणेश जी के, बाकी गणेश जी और मेरे से ऊपर है ना भाई। तो फ्रेंड्स जितने भी अभी बाकी जो गणेश जी है वो सभी गणेश जी को मैं धुमाल म्यूजिक के साथ आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो चलो धुमाल म्यूजिक के साथ दर्शन करते हैं।
फ्रेंड्स, तो मैंने आपको मूर्तिकार गिरधर तिलक भैया जी के सारी जो है मूर्ति गणेश जी के साथ में दर्शन करा दिया है। और कुछ मूर्तियों के जो है आँख अभी खुलना बचे हुए हैं, और जो हनुमान जी है वो ले मूर्ति मुझे काफ़ी प्यारे लगे। वो आप बताना कि आपको कौन सी बेस्ट मूर्ति लगी। बाकी तो अभी आज ही से जो है मूर्ति जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके से साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।